गुड मॉर्निंग बच्चों, पिछले लेक्चर में मैंने आपको अध्याय 3 रेशों से वस्त्र तक में जांतव रेशे ऊन प्रदान करने वाले जंतुओं के बारे में पढ़ाया था। आज मैं आपको रेशों से ऊन तक पढ़ाने जा रही हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो बच्चों, ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है, उनके बालों काट कर फिर उन्हें संसाधित करके ऊन बनाई जाती है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, भेड़ पालन और प्रजनन के बारे में हम पढ़ेंगे। बच्चों, अगर आप लोग जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये सब पहाड़ी क्षेत्र हैं, उसके अलावा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये मैदानी क्षेत्र हैं, अगर यहाँ आप लोग गए होंगे, जाएंगे कभी, तो आप लोग पाएंगे कि कई गडेरिए जो होते हैं भेड़ों के झुंड को चराते हुए दिख जाएंगे आपको। गडेरिए मतलब ये भेड़ पालक होते हैं, इनको गडेरिया कहा जाता है। ये क्या करते हैं, भेड़ों का पालन करते हैं। भेड़ जो होती है शाकाहारी होती है, यानी कि वो घास फूस ही खाते हैं, घास और पत्तियां खाते हैं। तो भेड़ पालने वाले उनको चारे के अतिरिक्त क्या क्या देते हैं, दालें भी देते हैं, मक्का है, ज्वार है, खली। खली क्या होता है, जो बीज होते हैं उनमें से तेल निकाल दिया जाता है, जो बचा हुआ पदार्थ होता है उसको खली कहते हैं, और खनिज ये सब उनको खाने के लिए देते हैं। और ठंडियों में वो इन भेड़ों को घरों के अंदर रखते हैं और तब उन्हें पत्तियां, अनाज, सूखा चारा खिलाते हैं, ठीक है। बच्चों, हमारे देश में, देश के अनेक भागों में भेड़ों को ऊन के लिए पाला जाता है। तो यहाँ पे एक टेबल दी हुई है 3.1, यहाँ पे भेड़ों की कुछ भारतीय नस्लें हैं, ये देखिए। पहले लोही, ये इसकी ऊन बहुत अच्छी होती है, ये पाई जाती है राजस्थान और पंजाब में। दूसरा है आपका रामपुर बुशायर, ये नस्ल का नाम है, भेड़ की नस्ल है, इसमें इसकी भूरी ऊन होती है और ये उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है ये भेड़। फिर है नाली, ये गलीचे की ऊन है, गलीचे मतलब कालीन बनाने की ऊन है, ये राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में पाए जाते हैं ये भेड़ें। फिर है बाखरवाल, ये ऊनी शॉल के लिए पाली जाती हैं और ये जम्मू और कश्मीर में पाई जाती हैं। फिर है आपकी मारवाड़ी और पाटनवाड़ी। मारवाड़ी जो है मोटी और रुख ऊन होती है और पाटनवाड़ी होजरी के लिए होती है, और दोनों ये गुजरात में पाई जाती हैं, ठीक है। अब देखिए, भेड़ों की कुछ नस्लों के शरीर पर बालों की घनी परत होती है, यानी कि भेड़ों की कुछ नस्लें ऐसी हैं जिनमें बालों की घनी परत होगी। अगर बालों की घनी परत होगी तो हमें ऊन भी अधिक मात्रा में मिलेगी, उनकी जो गुणवत्ता होती है बालों की वो भी बहुत अच्छी होती है। तो भेड़ पालक ऐसे ही भेड़ों को पालना ज़्यादा पसंद करते हैं, जिससे उन्हें अच्छी गुणवत्ता वाली ऊन अधिक मात्रा में मिल सके। उसको ये वर्णात्मक प्रजनन द्वारा उत्पन्न करते हैं, जो आपने पहले भी पढ़ा है। इसमें क्या होता है कि एक जना किसी अच्छी नस्ल की भेड़ होती है, ठीक है। जब पाली गई भेड़ के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है तो ऊन प्राप्त करने के लिए उसके बालों को काट दिया जाता है। तो अब हम पूरा इसका प्रक्रम पढ़ेंगे। रेशों को ऊन में संसाधित करना, मतलब रेशों से को जो ऊन में कैसे संसाधित किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बच्चों 6 चरण हैं। पहला है आपका, भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है, यह प्रक्रिया ऊन की कटाई कहलाती है। अब भेड़ के बाल उतारने के लिए उसी प्रकार की मशीन का प्रयोग करते हैं जैसे नाई जो है बाल काटने के लिए प्रयोग करता है। आप लोगों ने देखा होगा, जब नाई रहता है वो बाल काटता है तो कोई दर्द नहीं होता है, तो उसी तरह भेड़ को भी बाल काटने के लिए कोई दर्द, बाल काटने कोई दर्द नहीं होता, उसी तरह की मशीन उनकी प्रयोग की जाती है। और सामान्यतः जो भेड़ के बाल है वो गर्मी के मौसम में ही काटे जाते हैं, ताकि जो भेड़ का बालों का जो सुरक्षात्मक आवरण है, जो ठंड से उनको बचाता है, तो वो जीवित रह सकें। गर्मियों में ठंड नहीं होगी और अगर वो आवरण हट जाएगा तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बाल ऊनी रेशे प्रदान करते हैं, इन्हीं ऊनी रेशों को संसाधित करके ऊन का धागा बनाया जाता है। जैसे कि आपको पहले ही बता दिया कि उन्हें कोई कष्ट नहीं होता,
क्योंकि उस मशीन इस तरह की होती है कि उनको कोई कष्ट नहीं होता है, जैसे कि जो क्योंकि जो त्वचा होती है, आपने ऐसा क्यों होता है, आप ऐसा होता क्यों कि उनके दर्द क्यों नहीं होता, क्योंकि जो त्वचा की जो सबसे ऊपरी वाली परत होती है वो अधिकांश कैसी होती है, मृत कोशिकाओं से बनी होती हैं। साथ ही भेड़ के बाल फिर से उगाते हैं जैसे कि आपके उगाते हैं, तो इसलिए उनको दर्द नहीं होता है। दूसरा चरण है आपका बालों, उन बालों को जो निकाल दिए गए हैं भेड़ से, उनको क्या किया जाता है, बड़ी बड़ी टंकियों में डाला जाता है और अच्छी तरह से उनको धोया जाता है, जिससे उनकी क्या होती है, गंदगी होती है, जो चिकनाई है, गर्त है, जो गंदगी है वो धुल जाए। इस प्रक्रिया को हम अभिमार्जन कहते हैं और आजकल इसे मशीनों द्वारा भी किया जाता है। ये देखिए, ये मशीन द्वारा, ये टंकियों द्वारा अभिमार्जन हो रहा है और यहाँ पर ये हो रहा है मशीनों द्वारा अभिमार्जन हो रहा है। तीसरा चरण है आपका अभिमार्जन के बाद छटाई की जाती है, यानी रोमिल और रोएदार बालों को कारखाने में भेज दिया जाता है और जहाँ विभिन्न गठन वाले बालों को छाटा और पृथक कर दिया जाता है। फिर चौथे चरण में बालों को क्या किया जाता है, सुखाया जाता है, लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, जो छोटे छोटे फूले हुए रेशे होते हैं उनको छांट लिया जाता है, जिन्हें बर कहते हैं, जैसे कभी कभी आपने स्वेटरों में देखा होगा छोटे छोटे गोले बन जाते हैं, तो उनको हटा दिया जाता है। उसके पश्चात रेशों का पुनः अभिमार्जन करके उन्हें सुखाते हैं, यानी रेशों को फिर ऊपर अलग कर देंगे, फिर उनको धुलेंगे और फिर उनको सुखाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका पांचवा चरण है, पांचवें चरण में क्या किया जाएगा, उनकी रंगाई की जाएगी। अब रंगाई क्यों की जाएगी, क्योंकि भेड़ और अथवा बकरी के जो सामान्य ऊन होती है तो काली होगी या भूरी होगी या सफ़ेद होगी, अब हमें रंगीन ऊन चाहिए तो हम क्या करेंगे, उनके अलग अलग रंगों में रंगाई करेंगे। छठा और अंतिम चरण है आपका रीलिंग। अब रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है, फिर लपेट कर उनसे धागा बना दिया जाता है और लंबे रेशों को काट कर स्वेटर की ऊन के रूप में अपेक्षाकृत छोटे रेशों को काट कर ऊनी वस्त्र बुनने में उपयोग किया जाता है। इस तरह आपने छह चरण देखे, किसके रेशों को ऊन से ऊन तक संसाधित करने में आपने छह चरण पढ़े। पहला पढ़ा आपने ऊन की कटाई, यानी भेड़ से ऊन को हटाना, दूसरा अभिमार्जन, उसको धुलना, उसकी गंदगी जिससे साफ़ हो जाए, फिर उसके बाद छटाई, जो रोए हों उनको हटा दिया जाए और फिर से उसको अभिमार्जित किया जाता है, फिर सुखाया जाता है, फिर उसके बाद बर की छटाई, जो गोले उले होंगे, गोले जो बन जाते हैं उनको हटा दिया जाता है, उसके बाद रंगाई की जाती है और रंगाई के बाद की क्या किया जाता है, रीलिंग की जाती है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रेशों से ऊन कैसे प्राप्त की जाती है। अब आपको अगले चैप्टर में मैं आपको रेशम के बारे में पढ़ाऊँगी। थैंक यू बच्चों।